Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या आपको पता है कि कोई बालक नागा साधु किस तरह बनता है या बन सकता है? नागा साधु बनने की यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही रोमांचक भी है। नागा साधु बनने की राह आसान नहीं है। हजारों साल पुरानी परंपराओं के हवाले से वर्तमान में इस प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि अगर आपके भीतर सन्यासी जीवन की प्रबल इच्छा है तभी आप नागा साधु बन सकते हैं। महाकुंभ से ही यह प्रक्रिया शुरू होती है। जब देश भर के कुल 13 अखाड़ों में से किसी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इसके लिए शुरुआती पर्ची के तौर पर करीब 3500 रुपये का शुल्क होता है। इसके बाद किसी रजिस्टर्ड यानी प्रतिष्ठित नागा साधु की शरण में जाना होता है। यहाँ कई तरह के प्रण और व्रत करवाए जाते हैं जिनमें गुरु सेवा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन बताया जाता है। 6 से 12 साल तक की कठिन तपस्या के बाद अगर गुरु संतुष्ट होते हैं तो नागा साधु बनने का मार्ग खुल जाता है। परंपराओं के अनुसार कुछ परिवार 10 से 12 महीने की उम्र में बच्चों को भेंट के तौर पर अखाड़ों में छोड़ जाते हैं। इसके बाद इन बच्चों का लालन पालन और शिक्षा आदि सब कुछ अखाड़ों में ही होता है। इन बच्चों को जीवन में अपने माता पिता या परिवार के बारे में कुछ नहीं पता होता। इनके लिए सब कुछ इनके गुरु ही होते हैं। ये बच्चे अखाड़े के नियमानुसार स्कूल भी जा सकते हैं लेकिन इनके जीवन का लक्ष्य साधु बनना ही होता है। 3 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले नागा साधु बनने के इच्छुक को अपनी ही पिंड दान कराना होता है। इसके लिए 5 गुरुओं की जरूरत पड़ती है। हर गुरु को करीब 11,000 रुपये की दक्षिणा देनी होती है और फिर ब्राह्मण भोज भी करवाना होता है। इस प्रक्रिया में बताया जाता है कि करीब 1.5 लाख रुपये तक का खर्च अगर शिष्य ना उठा सके तो उसके गुरु के पास यह रकम देने का अधिकार होता है। शिष्य को गुरु के हाथों जनेऊ और कंठी धारण करवाई जाती है। गुरु ने शिष्य को दिगंबर होने के लिए प्रेरणा देता है। वास्तव में यह वस्त्र त्याग कर पूरी तरह प्रकृति में लीन हो जाने की परंपरा है। इसके बाद संतान से राख लेकर शरीर पर श्रृंगार के तौर पर मली जाती है जिसके बाद पिंड दान संपन्न माना जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में नागा साधु शिष्य बन सकता है लेकिन पंच संस्कार नहीं करवा सकता। यह तीसरे चरण यानी सिद्ध दिगंबर के बाद संभव होता है। सालों के कड़े तप के बाद अर्जित शक्तियों के आधार पर अखाड़ा किसी साधु को सिद्ध दिगंबर की पदवी दे तो यह नागा साधु की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा भी नागाओं के कई प्रकार होते हैं। जी हाँ, अखाड़ों के पास नागा साधु बनने के लिए आवेदन आते हैं लेकिन यह आसान नहीं होता कि सबको अनुमति मिल जाए। खबरों की माने तो इस साल जूना अखाड़े में 3,000 आवेदनों में से 1,000 को ही नागा सन्यासी बनने की अनुमति दी। बाकी अखाड़ों की तरफ से सभी संख्या नहीं बताई गई लेकिन निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के हवाले से खबरों में यह कहा गया कि आने वाले दिनों में हजारों साधुओं को दीक्षा दी जाएगी। निरंजनी अखाड़ा के मुताबिक उसके 2 लाख से ज़्यादा नागा साधु देश भर में है। गिरी के मुताबिक नागा साधुओं की दीक्षा एक धार्मिक प्रक्रिया है और हर साधु को नागा सन्यासी नहीं समझा जाना चाहिए। यही लंबी और कठिन यात्रा है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।